अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड का हलवा जो बहुत ही टेस्टी और जल्दी बन जाता है। ईद आ रही है, सब तीखा ही तीखा होगा, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा हम मीठा भी बना लें। तो हम बनाते हैं ब्रेड का हलवा। ये 10 से 12 मैंने ब्रेड की स्लाइस ले ली है, मिल्क ब्रेड है, नॉर्मल जो ब्रेड आती है वही ब्रेड है। और ये किशमिश है, 20 20 25 किशमिश होगी, बादाम है, बादाम भी 20 20 25 बादाम होगी, काजू है और इलायची पाउडर है, ये मैंने पीस लिया है। थोड़ी सी चीनी डाल के 1 ग्लास मैंने दूध ले लिया है, ये मिल्क बटर फुल मिल्क दूध है। और ये शक्कर ली है मैंने 1 प्याली, मिठास के हिसाब से आप कम ज़्यादा खाते हो तो कम ज़्यादा ले सकते हैं। तो चलिए हम सब बनाते हैं ब्रेड का हलवा। तो चलिए हम पहले ब्रेड की इसकी साइड की किनारी काट लेते हैं। ये 150 ग्राम घी है जो हमारे ब्रेड को फ्राई करने में लगेगा, ये प्योर घी है, आप डालडा भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रेड की स्लाइस जो रहती है आसपास की, ये सारी निकाल लेंगे इस तरीके से। और ये साइड की किनारे निकलती, इसको हम फेंकेंगे ना, इसका हम इसका बहुत ही अच्छा बढ़िया ब्रेड क्रम बना के रख लेंगे। और इसके ऐसे हम पीसेस कर लेंगे, ये इतने बड़े बड़े हम पीस कर लेंगे। सारे ब्रेड को हम इसी तरीके से कट कर लेंगे। चले, घी हमने डाल दिया है कढ़ाई में, ये अच्छे से गर्म भी हो गया। अब सबसे पहले हम इसमें हमारे जो ड्राई फ्रूट है वो फ्राई कर लेंगे। बादाम डाल देंगे, हल्के से इनको मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। काजू भी डाल देंगे, तो हम फ्राई कर लेंगे, इसका टेस्ट तो बहुत ही अच्छा आएगा। किशमिश भी हम इसी में डाल देंगे। एक 1.5 2 मिनट के लिए हम इसको फ्राई कर लेंगे। चलिए, हमारा ड्राई फ्रूट फ्राई हो गया है, अच्छी बहुत ही बढ़िया हो गया है। चलो निकाल लेते हैं इसको हम, और इसी में हम ब्रेड की स्लाइस भी फ्राई कर लेंगे जो हमने कटिंग करके रखे हैं। ब्रेड हम तेज गैस पे ही तलेंगे, नहीं तो तेज घी बहुत पी जाएंगे, जितने हमारी कढ़ाई में आएंगे उतने तेज फ्लेम पे ही इसको फ्राई करेंगे। देखिए सलाद पर रख के पलटते जाएंगे इसको हम। देखिए ब्राउन हो रहे हैं अच्छे बढ़िया। अच्छा ब्राउन हो गया, इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए ब्राउन हो गए हमारे सारी ब्रेड, हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। अभी घी हमने थोड़ा कम डाला था, फिर घी कम हो जाएगा तो हम घी और डाल के फिर से फ्राई कर लेंगे। तेज आँच पे अगर हम नहीं करेंगे, स्लो आँच पे करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा घी पी जाएंगे और फिर वो टेस्टी नहीं लगेंगे। इस तरीके से हम सारे ब्रेड फ्राई कर लेंगे। हो गया,
बहुत ही जल्दी हो जाता, बहुत ही फटाफट से बन जाते हैं। अब घी कम हो गया, हम इसमें थोड़ा घी और डाल के दूसरे भी हम सारे फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, चलिए ब्रेड हमारे सारे फ्राई हो चुकी है। एक कढ़ाई रख दी है मैंने, अब इसमें हम पानी डाल के इसकी चाशनी बना लेंगे। ये आधा कप से भी कम पानी लेंगे हम, और ये जो शक्कर मैंने आपको बताई थी ये डाल देंगे, और इसको फुल फ्लेम पे हम इसकी चाशनी बना लेंगे जब तक हमारी शक्कर अच्छे से घुल नहीं जाती। चलिए, हमारी चीनी अच्छी तरीके से घुल गई है, हमारी चाशनी ये देखिए तैयार हो गई। ये इस तरीके से चिपचिपी बिल्कुल हो गई है। अब इसमें इस वक्त हम जब फ्राई करेंगे सारी ब्रेड डाल देंगे, और गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देंगे, इसमें चारों तरफ चाशनी में फैला देंगे। और इस वक्त हम इसमें दूध डालेंगे, थोड़ा सा मैंने बचाया है, देखिए 500 दूध था। अब इसको इसमें थोड़ा भीगने देंगे, 2 मिनट के लिए इसमें डूबा रहने देंगे, फिर इसको हम तोड़ेंगे। जैसे नरम पड़ जाता फिर इसको हम तोड़ देंगे। देखिए, चल 2 मिनट हो चुके हैं, ब्रेड हमारी नरम हो गई है। इस तरीके से इसको हम तोड़ते जाएंगे ब्रेड, ये देखिए बिल्कुल नरम होके ये इसमें टूट जाएगी। ये देखिए सारी हमारी ब्रेड बिखर गई अच्छे से। अब इस वक्त इसमें हम ये इलायची पाउडर भी डाल देंगे, पूरी ड्राई फ्रूट जो हमने फ्राई करके रखा था ड्राई फ्रूट भी हम इसमें डाल देंगे। इतनी जल्दी और फटाफट हमारा ब्रेड का हलवा बनकर तैयार हो गया है। अच्छी तरीके से इसको हम मिक्स कर लेंगे। आप ये पेस्ट को जरूर बनाइएगा, और आप सबसे गुजारिश है कि ये मेरी मीठी पहली डिश है। मीठा मेरे यहाँ ज़्यादा पसंद नहीं करते, इसलिए मैं मीठा मैंने बनाया ही नहीं है। ये मेरी फर्स्ट डिश है मीठी, तो आपसे गुजारिश है कि भर भर के मुझे लाइक और शेयर करें, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ये देखिए हमारा ब्रेड का हलवा बन के बिल्कुल तैयार है। अब इसका गैस ऑफ कर देंगे, फिर आपको हम डिश आउट करके बताते हैं। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। चलिए देख लें, बहुत ही खुशबूदार और लज्जतदार हमारा ब्रेड का हलवा बन के तैयार हुआ है। अब हम आपको डिश आउट करके बताते हैं। ये देखिए खूब नरम मुलायम, बुजुर्ग लोग भी इसको आराम से खा सकते हैं। ये देखिए आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए ये ब्रेड का हलवा हमारा बढ़िया तैयार हो गया है। थोड़ा सा हम ड्राई फ्रूट इसमें डाल देते हैं जो हमने बचा के रखा था। ये देखिए ब्रेड का हलवा हमारा मज़ेदार लज्जेदार तैयार हुआ है। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।